एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास है। नहीं नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोर्स फ्लेम्स। आज जिस मुद्दे पे मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ, या तो मैं जो चीज आप लोग को दिखाने वाला हूँ, शायद आप लोग को ये देखकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। आप सभी को पता होगा कि यूपी एक ऐसी राज्य बनते जा रही है आज, जहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है। आप सभी को पता होगा मनीषा नाम की लड़की, उसका रेप किया जाता है और उसका जीभ काटा जाता है, उसके साथ उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। जब वो लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है, अपने माँ बाप को बोलती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, 15 दिन बाद आज वो अपनी दम तोड़ देती है। जब उस लड़की ने कहा कि अपने माँ बाप को या तो पुलिस वालों को कि इन इन लोगों ने मेरा रेप किया है, पुलिस उन्हें पकड़ती है, उनके साथ छेड़छाड़ करने का केस लगा के उन्हें अरेस्ट करती है और उन्हें रिहा कर देती है। दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बड़ी दुख की बात है। ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख फील हो रहा है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि ये जो यूपी गवर्नमेंट है, इस केस को दबाने के लिए, इस मुद्दे को दबाने के लिए यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार उस बच्ची की लाश को रातों रात जला देती है। आप ये पूरा वीडियो देखिए किस तरह से वो लोग इस चीज को छुपाने के लिए, दबाने के लिए उसकी लाश को जलाते हुए देखेंगे आपको। जब एक पत्रकार पुलिस वाले से पूछती है ये हो क्या रहा है, वो इंसान इन बातों का उत्तर नहीं देता, वो बताता मुझे नहीं पता है। वहां पे इतने पुलिस वाले खड़े हैं, वो कहता है कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। देखिए आप समझ सकते हो, इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चलते क्या हो रहा है। पूरा वीडियो देखिए, वरना मुझे डर है कहीं ना कहीं ये वीडियो ये लोग डिलीट कर देंगे। और ये वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, मैंने किसी माध्यम से कहीं से लिया हुआ है, तो इस वीडियो पे मेरा कोई हक नहीं है। ये खाली मैं चाहता हूँ लोगों तक ये मैसेज जितना हो सके उतना पहुंचे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग देखिए इस वीडियो को, समझिए। आप लोग चले जाओगे सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा, मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए, जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच का हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर बॉडी है कि नहीं है। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है, आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, कितनी डीएम साहब से बात हुई आपकी, नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं, मेरी भी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी आपकी, बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी, डीएम साहब से बात हो चुकी है, डीएम साहब नहीं है, नो बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से, आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं, कौन सी बात हो गई, मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है, आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं, मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। खड़े क्या चल रहा है, मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर, बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे, नहीं है अथॉरिटी है मेरी ड्यूटी है, नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है। वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की, हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है। नहीं नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट, या या वन सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 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 एक मिनट, अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार।
मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो। क्या हमें इसी तरह से चुप रहना चाहिए या इसके खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो हमें बोलना चाहिए। पूरा देश सब चुप है, जुबान तो उस बच्चे की कटी थी, तो ये सब लोग क्यों चुप है? ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे पूछता है भारत, वो आज कहां है? क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सो गाइज सोचिए समझिए। थैंक यू।